Welcome back to our channel. This is Priyanka Gupta, your transformational coach, Reiki healer, mentor. और आज हम बात करेंगे प्रज्ञा की सक्सेस स्टोरी की, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा. प्रज्ञा मेरी क्लाइंट है दोस्तों. इन्होंने मुझसे रिलेशनशिप हीलिंग कोर्स और रेकी सेशन के लिए कॉन्टैक्ट किया था. इसके अलावा इन्होंने दो बार मुझसे फ़ोन काउंसलिंग भी ली है. दोस्तों, प्रज्ञा एक बहुत ही स्वीट गर्ल है, बहुत ही सुलझी हुई समझदार लड़की है और ये हमारे चैनल से लंबे समय से जुड़ी हुई है. प्रज्ञा जिस फैमिली से आती है वो फैमिली ज्वाइंट फैमिली है. और उस घर में लड़कियों का ज़्यादा बाहर आना जाना पसंद नहीं किया जाता, लेकिन प्रज्ञा ने अपने जज्बे से, अपने डिटर्मिनेशन से, अपनी सोच से अपनी डेस्टिनी को चेंज किया दोस्तों. और इन्होंने लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया. और बड़ी खुशी की बात है कि दो दिन पहले प्रज्ञा ने मुझे खुशखबरी दी कि मेरा लॉ की डिग्री कंप्लीट हो गई है, मैंने एग्ज़ाम अच्छे नंबरों से पास कर लिया है. दोस्तों, ये हमारे चैनल में जो टेक्निक सिखाई जाती थी, जो चीज़ें मैंने इन्हें बताई थी करने के लिए, वो सारी चीज़ों को ये 100% फॉलो करती हैं. आपको पता है दोस्तों, इनके घर में जॉइंट फैमिली की वजह से दिन भर पढ़ाई की डिस्टर्बेंस होती है, तो इस लड़की का कमिटमेंट और डिटर्मिनेशन देखिए कि ये रात को 10 बजे से लेकर सुबह 4-5 बजे तक बैठकर पढ़ाई करती है और जो चीज़ के बाद फिर सो जाती थी 5-5:30 बजे और दोपहर में 11-12 बजे उठती थी. तो उससे पहले जो भी चीज़ें मैंने इन्हें दी थी, बताई थी, ये विजुलाइजेशन करती थी, मेडिटेशन करती थी, सारी चीज़ों को फॉलो करती थी, फिर सो जाती थी. और फिर प्रज्ञा ने देखा कि इनका विजुलाइजेशन और मेडिटेशन सब सक्सेसफुल होने लगा और इनकी लाइफ में चेंजेस आने लगे, इनके भीतर कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा दोस्तों. और फाइनली इन्होंने लॉ की डिग्री कंप्लीट कर ली. अब प्रज्ञा का सपना है कि वो एक यूपीएससी ऑफिसर बने. अक्टूबर में एग्जाम्स है और प्रज्ञा का कॉन्फिडेंस स्काई को छू रहा है और ये डेफिनेटली अचीव कर लेंगी. अब सुनते हैं कहानी का दूसरा पार्ट, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये एक रोमांटिक सक्सेस स्टोरी है. प्रज्ञा के बॉयफ्रेंड का नाम है विवेक. जब प्रज्ञा ने लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया तो उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए कोर्ट जाने लगी. तो वहाँ पर एक सीनियर एडवोकेट हैं जिनका नाम है विवेक, जो इनको 2 साल से फॉलो कर रहे थे. उन्होंने इनको 2 साल पहले ही प्रपोज कर दिया था, अपने दिल की बात इनको बता दी थी. लेकिन प्रज्ञा चूँकि अपने घर की स्थिति जानती थी तो इसलिए वो उनको अवॉइड कर रही थी. एक बार तो ऐसा हुआ कि प्रज्ञा ने झूठ बोल दिया कि मेरी शादी तय हो गई है, इसलिए प्लीज़ अब मेरा पीछा छोड़ दो. लेकिन विवेक के अंदर सहनशीलता थी, धीरज था, वो प्रज्ञा को हर तरीके से सपोर्ट करते थे, उसकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करते थे. और विवेक ने पूरे 2 साल वेट किया प्रज्ञा की हाँ का. जब प्रज्ञा ने देखा कि एक इंसान मुझे इतना रिस्पेक्ट देता है, मुझे इतना प्यार करता है, मेरी इतनी वैल्यू करता है, तो प्रज्ञा को उनके प्यार की कदर हुई और प्रज्ञा ने हाँ बोल दिया. अब दोनों एक खूबसूरत रिलेशनशिप में हैं. और दोस्तों, लॉकडाउन का समय था और विवेक ने काफ़ी दिनों से इनको कॉल या मैसेज नहीं किया था, क्योंकि विवेक के घर में कुछ इश्यू चल रहे थे जिसकी वजह से वो बहुत परेशान थे. तो वो नहीं चाहते थे कि प्रज्ञा को परेशान करे, तो इसलिए वो प्रज्ञा को फ़ोन नहीं कर रहे थे और मैसेज नहीं कर रहे थे. तो प्रज्ञा ने मेरी बताई टेक्निक्स को यूज़ किया और दोस्तों, इन्होंने विजुअलाइज़ किया कि उसका इनको फ़ोन आ रहा है और टेक्स्ट मैसेज भी आया है. विदिन 24 आवर्स ऑफ विजुअलाइजेशन प्रज्ञा ने उनके टेक्स्ट को भी मैनिफेस्ट किया, साथ ही साथ इनके फ़ोन कॉल को मैनिफेस्ट किया, जहां इनके बीच बड़े अच्छे से बात हुई, हंसी मजाक हुआ. और दोस्तों, उस दिन विवेक ने कहा कि बहुत दिन हो गए, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, तुम्हें मुझसे मिलने आना पड़ेगा. अब प्रज्ञा परेशान थी कि लॉकडाउन का समय है, कैसे मिलने जाऊँगी, कहाँ से जाऊँगी, क्या बहाना बनाऊंगी घर पे, ये सब बातें थी. वैसे तो कॉलेज का बहाना बना देती थी.
फिर इन्होंने विजुअलाइज किया और लेट गो कर दिया। इनका लॉ का रिजल्ट आ गया था, तो रिजल्ट लेने के बहाने ये घर से बाहर निकली, और जैसे ही ये बाहर निकली इनको एक ऑटो वाला मिल गया जो उधर ही जा रहा था जिधर प्रज्ञा को जाना था, जिस जगह विवेक से मिलने जाना था। और ये गई विवेक से मिली और इन्होंने मुझसे कहा, मैम इतने दिनों बाद जब हम मिले तो विवेक ने मुझे गले लगा लिया, और उन्होंने मुझे ऐसे गले लगाया जैसे एक बच्चा अपनी माँ को गले लगाता है। उस प्यार में एक सच्चाई थी, एक पवित्रता थी, एक इनोसेंस थी जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। और मैं सच में हैट्स ऑफ करूंगी प्रज्ञा और विवेक के प्यार को, क्योंकि इनके प्यार में सच्चाई है, पवित्रता है, इनोसेंस है। ये दोनों आज भी एक साथ हैं, और भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि इनके प्यार को शादी की मंजिल मिले। तो देखा दोस्तों, अगर आप कमिटमेंट के साथ, शिद्दत के साथ, लगन के साथ अपने सपनों पर फोकस करते हैं, अपनी फीलिंग्स को ट्रेन करते हैं, और सिर्फ वही देखते, सोचते और बोलते हैं, तब आपके जीवन में भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जब प्रज्ञा मुझसे पहली बार बात की थी तो इनका कॉन्फिडेंस लो था, बहुत डर था, टेंशन में थी, डिप्रेशन था, लेकिन आज वो प्रज्ञा एक शेरनी की तरह दहाड़ मारती। आज वो प्रज्ञा एक सक्सेसफुल यूपीएससी ऑफिसर भी बनेगी। आज वो प्रज्ञा अपने परफेक्ट पार्टनर को भी मैनिफेस्ट कर रही है। आज वो प्रज्ञा अपनी डेस्टिनी को अपने हाथों से लिख रही है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं दोस्तों, और ये सक्सेस स्टोरी मुझे बहुत पसंद है, और इसीलिए मैंने इसे आपके साथ शेयर किया, क्योंकि सच्चे प्यार की हमेशा जीत होती है। बस एक बात है दोस्तों, कि आप एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। हमेशा एक बात याद रखें कि प्यार जोर जबरदस्ती से नहीं हासिल किया जाता, प्यार हासिल किया जाता है समर्पण से। आपको याद है बाजीगर का वो फेमस डायलॉग, जो हार कर भी जीतता है उसे बाजीगर कहते हैं। तो जिंदगी का बाजीगर बनो दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ, और आज के वीडियो में इतना ही। नमस्ते।